हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ WWE अनडिफीटेड। तो आज हम खेलने वाले हैं द हार्डी बॉयज जेफ हार्डी के साथ। तो क्या नाचोगे? तो जेफ हार्डी का ये नेक्स्ट मतलब सेकेंड गेम प्ले है। पहला गेम प्ले हम ला चुके हैं, तो इसका फिनिशर है 449 का और हेल्थ तो आप जानते ही हो। और इसके जो डेक हैं वो है एक ट्विस्ट एंड फेट और दूसरा है विस्पर इन द विंड। बाकी तो सारे डेक जो हैं वो आप पहले से ही मालूम है आपको। सारे डेक मैं हर बार यूज़ करता हूँ, तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो चलो फटाफट गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और गेम फाउंड हो चुका है, देखते हैं पहला रोस्टर या पहला अपोनेंट हमको कौन मिलता है। तो पहले अपोनेंट मिल चुके हैं द रैंडी ऑर्टन लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन या फिर द वाइपर रैंडी ऑर्टन। तो हमारे जेफ हार्डी तैयार हैं पंच के साथ, लेकिन पंच लगा नहीं। और क्या सुपर किक लगा पाएंगे? नहीं। क्या लगा पाएंगे सुपर किक? बिल्कुल लगाएंगे सुपर किक। और भाई जेफ हार्डी थोड़ा सा कम पावर का है भाई, डर लग रहा है रैंडी ऑर्टन के साथ। लेकिन ट्विस्ट एंड फेट लगाएंगे हम भाई, ट्विस्ट एंड फेट के साथ अभी थोड़ा बहुत एडवांटेज ले चुके हैं। और फिर से लगाएंगे शोल्डर ट्रैकर या शोल्डर ड्रॉप। और यहाँ पे लग चुका है हमारा काउंटर, बिस्पर इन द विंड के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे बिस्पर इन विंड के लिए और देखेंगे फिर से सुपर किक की तरफ। लेकिन यहाँ पे सुपर किक लगेगा नहीं और हमें लग चुका है द RKO, जिसके आगे कोई टिकता नहीं। तो RKO हमको लगेगा, लग चुका है। और इसी के साथ लग चुका है कॉब स्टॉम्प और हम लगाएंगे पंच। और पंच के साथ करेंगे हम रोप थ्रो के बाद लगाएंगे फिनिशर स्वांटन बाम। और स्वांटन बाम के साथ लगाएंगे एल्बो ड्रॉप और एल्बो ड्रॉप के साथ ख़त्म करेंगे मैच को। तो पहला पिन हमने कर लिया है रैंडी ऑर्टन के खिलाफ। तो अभी रैंडी ऑर्टन इतना पावरफुल है ना, उसके खिलाफ यार इतना करके बहुत अच्छा लगता है। और इतना मारेंगे ना किसी ने सोची ना होगी। हाँ रैंडी ऑर्टन, तुम्हारी सारी लेजेंड गिरी निकल जाएगी। और यहाँ पे हमको लग चुका है काउंटर। क्या हम काउंटर लगा सकते हैं? लगा तो, लेकिन हमको लग चुकी है। ओ भाई स्टॉम्प भी लग गया भाई। नहीं 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 यार, थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, लेकिन लेट कर गए हम। पर कोई नहीं, क्या हम इनका रोप थ्रो कर पाएंगे? रोप थ्रो तो कर दिए हैं, क्या हम फिनिशर लगा पाएंगे? बिल्कुल फिनिशर लगाएंगे और फिनिशर के साथ ही लगाएंगे विस्पर इन द विंड। जी हाँ, विस्पर इन द विंड लगाएंगे गाइस। और विस्पर इन द विंड तो लगेगा ही लगेगा। रोप थ्रो हमने बर्बाद कर दिया है और इसी के साथ लगाएंगे एल्बो ड्रॉप। मजा नहीं आ रहा है। जितना डैमेज दे सके तो दे सके यार, क्योंकि रैंडी ऑर्टन है। और हम लगाएंगे बिस्पर इन द विंड, जिसका एडवांटेज हमको मिला है। और यहाँ पे इनका RKO गया है और हमको लग चुका है काउंट बैक ब्रेकर। तो भाई उसके बाद स्टॉम्प लगा है और हम लगाएंगे फिनिशर और मैच को करेंगे ख़त्म। द स्वांटन बॉम्ब बाय जेफ हार्डी। और अपोनेंट ने कर दिया है लेफ्ट। तो हमारी परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन बरकरार है अभी भी। तो गाइज, जो भी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो। और पसंद आया हो ये मैच तो लाइक भी कर देना यार। नहीं। जेफ हार्डी के लिए, हालांकि जेफ हार्डी अभी मेरा बहुत ज़्यादा लेवल का है नहीं और वीक है, लेकिन फिर भी हम अच्छा खासा मैच दे पा रहे हैं जेफ हार्डी के साथ। तो सेकेंड मैच देख लेते हैं ट्रिपल एच के खिलाफ, द किंग ऑफ किंग ट्रिपल एच। और हमारे आ गए हैं प्यारे दुलारे हार्डी बॉयज के एक मेंबर जेफ हार्डी। भाई नाश्ता हुआ आया है, नाश्ता हुआ जाएगा, पता नहीं मार ना खा जाए यार। और सुपर किक लगाएंगे और यहाँ पे एडवांटेज पे एडवांटेज लेंगे। एल्बो ड्रॉप, विस्पर इन द विंड। तो यहाँ पे लगेगा विस्पर इन द विंड और विस्पर इन द विंड में कॉम्बो नहीं लगता यार, नहीं तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे काउंटर और हम लगाएंगे सुप्लेक्स। और यहाँ पे फिनिशर स्वांटन बॉम्ब।
और ये लगा स्वांटन बम। थोड़ी सी हेल्थ वहां की है, क्या हम खत्म कर पाएंगे? नहीं। और हम ये रोप थ्रो देंगे, रोप थ्रो तो दे दिया लेकिन कुछ है नहीं हमारे पास। चलो लग गया काउंटर हमको, और शोल्डर ट्रैकर लगा दिया है उसी के साथ, रनिंग नी, और भाई ओ भाई फिनिशर भी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कितनी सारी हेल्थ, देखो एक बार देखो तो कॉम्बो देखो ट्रिपल एस का, भाई क्या कॉम्बो था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम मैच में एडवांटेज ले लिए हैं, पहली पिन हमने कर लिया है। ट्विस्ट ऑफ फेट लगाने की कोशिश है हमारी, लेकिन अभी तो हम लगाएंगे विस्पर इन द विंड, लेकिन हमको लग चुका है काउंटर। और खत्म हुआ मैच, उसने भी एक पिन कर लिया है, अपोनेंट ने भी, ट्रिपल एस ने भी, ट्रिपल एस भी अच्छा खेल रहा है। और हम लगाएंगे यहाँ पे फिनिशर, फिनिशर के बाद हम देंगे एल्बो ड्रॉप, और एल्बो ड्रॉप के बाद हम लगाएंगे रोप थ्रो। तो ये लगा रोप थ्रो, और अभी हमारा तैयार है ट्विस्ट ऑफ फेट। ट्विस्ट ऑफ फेट लगा के फिर से क्या एल्बो ड्रॉप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, लेकिन देंगे ज़रूर एल्बो ड्रॉप, क्योंकि हमको एडवांटेज लेनी है। और यहाँ पे काउंटर लगा और सुपर किक, अरे इस बार काउंटर रह गया यार, लगना चाहिए था, लेकिन वो लगाएगा देखना फिनिशर, लेकिन लगाया नहीं फिनिशर, गड़बड़ी कर दी उसने। अगर फिनिशर लगाएगा तो उसके पास एडवांटेज रहती, लेकिन उसने नहीं लगाया, गलती कर ली उसने। और हम लगाएंगे फॉन्टान बम, उसने नहीं लगाया, वो उसकी गलती है। और यहाँ पे हम मैच को ख़त्म करेंगे एल्बो ड्रॉप लगा के, थोड़ा सा बचेगा तो, और एल्बो ड्रॉप लगा के मैच को ख़त्म किया। और ये एक्स्ट्रा पे सुप्लेक्स, हम बहुत मारेंगे भाई। तो गाइस सेकेंड मैच भी हमने निकाल लिया है, अब बारी है लास्ट और आखिरी, मतलब थर्ड मैच की। तो थर्ड मैच देख लेते हैं किसके खिलाफ मिलता है। तो एज आ गए हैं जो कॉम्बो के लिए जाने जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इसको कॉम्बो है, तो क्या हम एज को डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। क्या डिफीट कर पाएंगे एज को? नहीं। तो देखिए भाई, देखते रहो गाइस, क्योंकि एज को तो जानते हो आप कितना ज़्यादा कॉम्बो है एज का, पर हम ट्राई करेंगे इसको, जीत पाए नहीं जीत पाए पता नहीं, लेकिन ट्राई तो करेंगे भाई। तो एज ने भी शुरुआत कर दी है, और एल्बो ड्रॉप लग गया हमको, और एज एक्यूशन लग गया भाई। तो अभी तो मारे जा रहा है एज यार, नहीं लगा मेरा, लेकिन रोप थ्रो लग गया है, ये फ़ायदा हो गया। सुपर किक लगाएंगे, और एज ने भी अपना स्पाइनिंग राना लगाया था, लेकिन मैंने भी लगाया ट्विस्ट एंड फेड, लेकिन एज क्यूशन लग गया, और मेरा अभी भी स्पर इन द विंड भी नहीं लगा, और एज की स्पेयर चली गई। मजा नहीं आ रहा है, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये फ़ायदा हो गया हमको, एज की स्पेयर गई, और हम लगाएंगे ट्विस्ट ऑफ फेट, क्या बात है भाई। और लगाएंगे स्वांटन बॉम, क्योंकि स्वांटन बॉम लगाना ज़रूरी है, अभी एज के पास एडवांटेज है, क्योंकि उसने बहुत सारी हेल्थ मेरी ख़त्म कर रखी है। और हम लगाएंगे एल्बो ड्रॉप, लेकिन लगा नहीं, उसने लगा दिया स्पाइनिंग राना, और हमारा भाई हेल्थ ख़त्म कर दिया उसने, एक पिन कर लिया है। क्या हम जीत पाएंगे इससे? तो गाइस बिल्कुल फुल ट्राई करेंगे, अब यहाँ पर सुप्लेक्स लगाएंगे, और सुप्लेक्स के साथ लगाएंगे स्पाइन विस। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो भाई विस्पर इन द विंड लग चुका है हमारा, और एल्बो ड्रॉप भी लगा नहीं है। क्या हम काउंटर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे काउंटर, और एज इक्यूशन लगाया था एज ने, और एज की गलती यही थी। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। और हमने काउंटर लगा के भाई, क्या तुम ही बड़े होशियार हो क्या? ओ भाई जरूर होशियार है भाई, लेकिन कॉम्बो नहीं लगाया इसका, ये फ़ायदा हुआ हमको। और हमने लगा दिया फिनिशर, क्योंकि एज फिनिशर लगाने ही वाला है, उसके पहले हम एडवांटेज ले लें तो अच्छा रहेगा। फिर से लगाएंगे हम रोप थ्रो, और फिर सुप्लेक्स देंगे, सुप्लेक्स ज़रूरी है, और सुप्लेक्स के बाद हम विस्पर इन द विंड लगाएंगे, जितना हो सके उतना ख़त्म कर लें, क्योंकि एज का फिर कॉम्बो तो आप जानते ही हो।
और भाई एज तुमको बहुत धोएंगे यार, लेकिन अभी तो हम धुल रहे हैं एज से, देख रहे हो गाइस। और लगा दिया भाई, स्पेयर भी लगा दिया है, पता नहीं कितने कॉम्बो लेके बैठा है, लेकिन कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे अभी। और उसने लगा दिया भाई, अब तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, मेरा फिनिशर भी जा चुका है, लेकिन हम हारने नहीं रहे भाई, हारेंगे तो है ही नहीं भाई, हारना तो हमको है ही नहीं। अब जरूर से जरूर उसने मूव करना है स्ट्राइक, और हम लगा दिया काउंटर। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जो जो भी वीडियो जिसने इंजॉय किया, थैंक यू सो मच, और लव यू गाइस, सब्सक्राइब कर देना यार। To stop what you're doing and listen.